पोक तुखार ना व्यापै कंठ मिलिया हरना मन विद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा। पोक महीने दा नाम है जिन्हों आपां आम करके पो दा महीना भी आखदे हां। तुखार तो भावे कक्कर कोरा क्योंकि ये आपां भली भांत जानदे हां ये महीना अत दी ठंड वाला हुंदा इहदे च कक्कर पिंदा है कोरा पिंदा है शीत लहर चलती है कह सकते हैं सब तो ठंडा महीना है। हुण गुरु साहब ने ते सानू समझाउणा कीता है गल भावे रुत दी कीती है मौसम दी गल हो रही है बार मुखी गल करके गुरु साहब ने सानू ज्ञान जिहड़ा रूहानियत दा बख्शिया है। रुत मौसम की गल करदिया होया भी गुरु साहब ने सानू रूहानियत का ज्ञान बख्श के परमेश्वर के नाल जोड़िया। पोक तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना भी ये जो पो का महीना गुरु साहब वक्त ने अत की ठंड वाला है जिद शीत लहर चलती है कक्कर कौरा पैंदा पर गुरु साहब वक्त जे मौसम की बाहरी मौसम की गल करिए मौसम उन्होंने नहीं प्रभावित करता उन्हां ते नहीं प्रभाव पैंदा मौसम दा किन्हां ते गुरमुखां ते जिन्हां दे हिरदे विच परमेश्वर दे नाम दा वासा है जो अपने कंठ अपने गले राही परमेश्वर दे नाम नूं सुवास सुवास जपदे ने जिन्हां दे हिरदे विच जिन्हां दे गाल विच परमेश्वर दे नाम रूपी माला परोती हुई है भाव जो अपनी रसना तो एक मान एक चित हो के वाहिगुरु जी का सिमरन करते ने जो गुरमुख जन हन उन्हां दे रस्ते विच ये जिहड़ी ठंड है मौसम रुकावट पैदा नहीं कर सकती क्योंकि जिते अत की ठंड है शीत लहर चलती होवे उत्ते कितना किते मन आलसी हो जाता है आलस पैदा हो जाता है। गुरु के दीदार करने होण बाणी पढ़नी होवे ए जिहड़ी ठंड करके कितना किते मन अंदर जिते आलस पैदा हुंदा है आम मनुख दे पर जिन्हां दे मन विच जिन्हां दे हिरदे विच वाहिगुरु दे नाम दा वासा है जां कह सकदे आ वाहिगुरु दे नाल जिन्हां दा प्यार बन गया है सांझ बन गई है गुरु साहिब आखदे ने भाई ए ठंड कक्कर कोरा शीत लहर उन्हां दे रस्ते विच रुकावट नहीं पा सकदी भाव जो उन्हां दे मन अंदर वाहिगुरु नूं मिलण दा चा गुरमुखां दे अंदर हुंदा है उस चा उस तांग दे अगे एक कक्कर कौरा आखदे ने कुछ भी नहीं कर सकता। तो दूजा पक्ष गुरु साहब ने सानू ये भी समझाया भाई जिहड़ी बाहरी ठंड है कक्कर कौरा पै रहा मौसम ठंडा है महीना अत दी ठंड वाला है पर बाहरी तौर ते अपने आप नूं बचाउण वास्ते अज मनुख कोल बड़े साधन ने गर्म हीटर आ गया गर्म वस्त्र ने गर्म कपड़े पा के ठंड तो बचिया जा सकता है फिर भी ठंड ना रुके तो मनुख गर्म हीटर का इस्तेमाल करता है कमर विच हीटर ला के गर्म वस्त्र पहन के मनुख ठंड तो किते ना किते बचने विच कह सकते हैं लगभग कामयाब हो गया। पर गुरु साहब आखदे ने भाई बारी कक्कर तो बचन में तू सफल हो गया पर जो मन दे अंदर विकारां रूपी कोरा कक्कर पिया विकारां दी धुंद पई है किते तेरे ते काम हावी है किते क्रोध हावी है किते लोभ लालच भी विकार तेरे ते प्रबल हावी ने भाई उन्हां दे प्रभाव तो बचण वास्ते जो हिरदे विच विकारां दी धुंद पई है उन्हां तो बचण वास्ते भाई तेनू परमेश्वर दे नाम दा ही सहारा लेना पएगा क्योंकि बाहरी तौर ते तू कक्कर कोरे तो बच गया गर्म वस्त्र पहन के गर्म थां ते बह के पर जो मन अंदर विकारां रूपी कोरा विकार तेरे ते हावी ने इन्हां विकारां दे प्रभाव तो भाई ओही जीव बचदे ने उन्हां ते विकारां दा प्रभाव नहीं जिन्हां दे गल विच परमेश्वर दा नाम परोता होया भाव जिन्हां दे गल दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु आ मिलिया है जिन्हां ने अपनी रसना तो सुवास सुवास वाहिगुरु नूं चेते कीता है वाहिगुरु दी बंदगी कीती है इबादत कीती है जिन्हां नूं मिलाप दी दात
जिन्हां नूं प्राप्त होई है, जिन्हां नूं वाहिगुरु दे चरणां दे नाल अभेद होण दा सुभाग प्राप्त होया है, उन्हां ते गुरु साहिब आखदे ने भाई इह ककर कोरा इह अत दी ठंड उन्हां ते प्रभाव नहीं पा सकदा, आलस उन्हां ते हावी नहीं हो सकदा, विकार उन्हां ते हावी नहीं हो सकदे। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਖਦਨ ਕਿਰਪਾ ਭਾਈ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾ, ਵੇਦਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਚਰਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਤਾਂਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਲੀਜੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫੁਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਸੁਣ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ ਭਾਵੈ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਦਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਕੱਕਰ ਪਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸੇਵਾ ਸਵਾਮੀ ਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਹਾਰੇ ਆਸਰੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਭਾਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ
गुरु दी गोलक किसे लोड़वंद जिदे बस्तर नहीं जिदे बस्तर पाटे हुए ने आत दी ठंड विच जो ठर रहा होवे भाई गुरसिखा तैनू बस्तर लैके दे दे ते गुरु तेरे ते प्रसन्न होवेगा। कोई भुखा तैनू नजर आउंदा है ओनू भाई तू पेट भर भोजन छका गुरु दी तैनू प्रसन्नता प्राप्त होवेगी। इस तरह जिहड़े गुरु नाल जुड़ गए ने हर वक्त सेवा विच तत्पर रहिंदे ने जिथे लोड़वंद उन्हां नूं नजर आउंदा है उह जिथे सेवा करदे ने उत्थे प्रभु परमेश्वर नूं याद भी करदे ने इबादत करदे ने। ते भगत कबीर जी दा बचन आउंदा है भाई बाणी तू जिन्नी भी पढ़ेगा भाई उहदा तैनूं लाभ ही लाभ है। बचन आपां पढ़ीए कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आदि भगतन सेती गोष्टे जो कीनो सो लाभ। भाई लाभ ही लाभ है जे तू प्रभु दी उस्तति करेगा बाणी पढ़ेगा। ये जिहड़े दुनियावी काम धंधे ने मैं पहला भी कई बार अर्ज करदा है साडी जिम्मेवारियां ने इन्हां तों मुनकर नहीं हो सकते करने पैणे ने। पर एक गल अपनी मन अंदर याद रखिए भी इन्हां दा मुल नहीं पैणा अगे जाके अवर काज तेरे किते नाकाम मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल तो केवल वाहिगुरु का तू जिन्ना भी नाम जपेगा ओदा ही भाई तेन लाभ मिलने अगे कृपा की है। बिख्या पोहे ना सकई बिख्या पोह ना सकई मिल साधु गुण गा। बिख्या तो भाव है संसारक मोह माया। हुण जिहड़े प्रभु की उस्तति विच सेवा विच जुड़े ने गुरु साहब आखदे ने संसारक मोह माया यह बिख्या उन्हां दे नेड़े नहीं आ सकती उन्हां नूं पोह नहीं सकती उन्हां ते अपना प्रभाव नहीं पा सकती। वह गुरु नूं मिल के उस प्रभु की सिफ सलाह विच आखदे ने हर वक्त मिल साधु गुण गाह गुणा विच चुप्पी लाउंदे ने भाव गुणा की सांझ कमाउंदे ने। दिन रात मालक दी उस्तति करन वाले वाहिगुरु दी सेवा विच तत्पर रहन वाले उन्हां ते इह संसारक मोह माया दा बिल्कुल प्रभाव नहीं। बचन आपां पढ़दे हां जिथे आम मनमुखां ते इह संसारक मोह माया दा प्रभाव है। केवल धन दौलत दी गल नहीं जिहड़ी वस्तु सानूं परमेश्वर दे नालों विछोड़दी है जो विछोड़े दा कारण बनदी है हरेक वस्तु माया है। बचन पढ़दे हैं माया ममता मोहनी जिन विणदंता जग खाया मानमुख खादे गोरमुख उभरे जिनी सच नाम चित लाया। मनमुखां नूं तां खाई गई है भाव उन्हां ते तां बहुत प्रबल प्रभाव है। मानमुख खादे गोरमुख उभरे जिते मनमुखां ते प्रबल प्रभाव है उत्थे आखदे ने गुरमुखां ते तां बिल्कुल प्रभाव नहीं। इत्थे भी गुरु साहिब ने यही समझाई है गल सानूं बिख्या पोह ना सकई मिल साधु गुण गा। अपने गुरु नाल मिल के परमेश्वर की उस्तति कर बंदगी कर इबादत कर भाई मोह माया तेरे नेड़े नहीं ढुकेगी तेरे ते मोह माया का प्रभाव नहीं। तू कमल दे फुल मांगो निर्लेप रह के जिवें कमल का फुल चिकड़ विच खिड़के चिकड़ तो निर्लेप रहिंदा भाई तू संसार अंदर रहिंदिया संसारक मोह माया अंदर रहिंदिया भी भाई संसारक मोह माया तू निर्लेप हो जाएगा जेकर भाई अपने गुरु नाल मिल के उस वाहिगुरु की उस्तति करेगा। होर आखदे ने तेरे ते कृपा वरते की गुरु साहब आखदे ने जह ते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समा। जिस परमात्मा तो साडा जन्म होया है असीं जन्म लिया है उसे विच ये जिहड़ी साडी सुरत है उहदे विच आखदे ने फिर मुड़ वलीन हो जाएगी जुड़ जाएगी भाव उसकी लेव हर वक्त प्रभु की प्रीत विच लगी रहिंदी है जह ते उपजी क्योंकि जिहड़ी आत्मा परमात्मा का अंश है भी जिथों साडा सफर शुरू होया है जिथों कह सकते हैं साड़ी सफर की आरंभता हुई है परमेश्वर का ही अंश आत्मा है। गुरु साहब आखदे ने मनुख नूं बाणी पढ़ के समझ लग जाती है भी संसार ते आउण दा मनोरथ की है कादे वास्ते आए हाँ कितों आए हैं तो कित्थे जाना है। फिर आखदे सुरत हर वक्त उसे परमेश्वर के चरणों नाल जुड़ी रहिंदी है जिथों साड़ी जीवन यात्रा शुरू हुई है जिन्हें सानू जीवन दे के रिजक दे के साडे कर्म भाग लिख के जिन्हें सानू संसार ते भेजिया जो संसार ते भेजण तो बाद
पल पल कदम कदम ते जो साड़ी रख्या करदा है, जिन्हें सानू खान वास्ते पहनन वास्ते सब कुछ जिन्हें साड़ा इंतजाम किया, जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पहनन खान, अपने दास की आप पैज राखी नानक सत कुरबान। फिर आखदे ने प्रीत जहते उपजी तह मिली प्रभु चरणा विच, हर वक्त आखदे सुरती जुड़ी रहिंदी है सच्ची प्रीत समा। फिर मनुख नाम जप जप के वाहिगुरु दे चरणा विच इस तरह अभेद हो जांदा है, इस तरह समा जांदा है ज्यों पानी दे विच पानी मिलदा है। बचन हुंदा है गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दा, गोर किरपा जिह नर को कीनी तै इह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। इस तरह आखदे ने फिर प्रीत अभेद दा इस तरह हुंदी है वाहिगुरु दे चरणा विच जिवें पानी विच पानी मिल जांदा। कर गह लीनी पार ब्रह्म बोहड़ ना विछड़िया। देखो संसार अंदर जिन्ने भी रिश्ते नाते ने इत्थे विछोड़ा तय, भरा होवे भावे मां बाप हो, पत्नी है बच्चे ने, किसी ना किसी मुकाम ते जाके विछोड़ा पै जांदा है। पर गुरु साहब आखदे ने भी अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल जे तेरी सांझ है, पार ब्रह्म अकाल पुरख वाहिगुरु ने जिन्हां दा हाथ फड़ के जिन्हां नूं अपने चरणां दे नाल जोड़े है, अपने नाल जोड़े है, गुरु साहब आखदे ने भाई मुड़ उन्हां दा विछोड़ा नहीं पैंदा। वह गुरु नालों परमेश्वर नालों कदे टुटदे नहीं, उन्हां दी दूरी नहीं बनदी। बाकी मनुख जिन्हां दे नाल भी साडा जुड़ाव है प्यार है, ये सब रिश्ते नाते मित्र दोस्त भैन भरा ये सब आखदे ने बिनसनहार ने भाई, ये जिहड़ा मिलाप है ये मिलाप दीआं घड़ियां ये सीमित ने कुछ समय वास्ते ने, पर जेकर वाहिगुरु दे नाल भाई तेरा मिलाप है जिन्हां उत्ते वाहिगुरु ने आप किरपा करके जिन्हां नूं अपने चरणां दे नाल जोड़िया है अपने नाल मिलाया है, गुरु साहिब आखदे ने उन्हां दा कदे भी विछोड़ा नहीं पैंदा। कार गह लीनी पार ब्रह्म, कर तों भाव है हथ, जिन्हां दा हथ वाहिगुरु ने फड़िया ते अपने चरणां दे नाल जोड़िया है जिन्हां नूं अपना बना लिया बोहर ना विछड़िया, वह कदे विछड़दे नहीं, कदे उन्हां दी दूरी नहीं बनती, कदे विछोड़ा नहीं पैंदा। बार जाऊं लख बेरिया हर सज्जन अगम अगा, गुरु साहब आखदे ने मैं उस सज्जन अकाल पुरख वाहिगुरु तो जो अपहुंच है बड़ा डूंघा है बेअंत है जिहदा कोई अंत नहीं पा सकिया, उस तो मैं आखदे लख वार कुरबान जाना। जो बेअंत है अपहुंच है बहुत डूंघा है, गुरु साहब आखदे जो सारे संसार दा मालक है सब जीआं नूं रिजक देण वाला जीवन देण वाला सभनां नूं पालण वाला जिहनूं कल्ले कल्ले दा चेते है कल्ले कल्ले दी जिहनूं याद है चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाईंदा, जिहदे चेते विच सारा संसार चल रिहा है जिहदी याद विच सारा संसार चल रिहा है जिहनूं हरेक दी याद है, तू जान ओई सब सह दे लैसै जिंद कवाओ जी, कदों किस नूं संसार ते भेजना है कदों बुलाउणा है की देना है की लैना है, जिहनूं हर कुछ याद है, गुरु साहिब आखदे ने मैं उस बेअंत प्रभु तों कुरबान सदके हां। सरम पई नारायण नानक दर पईआ, हुण गुरु साहिब आखदे हे नानक ओ अकाल पुरख वाहिगुरु बहुत दयालु है बहुत रहम दिल है, वह अपने दर ते डिगियां दी लाज रखदा है ते प्रभु नूं अपने दर ते डिगियां दी लाज रखनी पैंदी है, ये उहदा सुभा है, जिहड़ा उहदे द्वारे ते आ गया उहनूं निराश नहीं करदा। पर गल इह वी पहलां सारे द्वारे छड के तैनूं आउणा पवेगा, सगल द्वार को छड के गेहो तुहारो द्वार, बाहे गेहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार, सारे द्वारे छड के आएगा ते गुरु तेरे ते कृपा करेगा, क्योंकि सुभा ऐसा है जो शरण आवे ते कंठ लावे जिहड़ा शरण विच आ गया उहनूं अपने गल नाल ला लैंदा अगे कृपा कीते, पोक सुहंदा सर्व सुख जिस बक्से वे प्रवाह,
जिस उत्ते उस बेपरवाह प्रभु ने अपनी मेहर कीती है, जिहदे ते किरपा करदा रहमत करदा, उन्हां जीवां नूं उन्हां जीव इस्त्रियां नूं पोह दा महीना सुहावना लगदा है, उन्हां नूं सारे सुख मिल जांदे ने, आत्मक सुख आत्मक आनंद नूं माणदे ने, उह आत्मक खेड़े विच रह के अपना जीवन व्यतीत करदे ने। सो गुरु साहिब ने इह शब्द विच सानूं भावें गल बाहर मुखी मौसम दी कीती होवे, पर ज्ञान सानूं रूहानियत दा बख्शिया है, अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल जोड़िया है। सो आपां वाहिगुरु अगे यह अरदास करनी है सतगुरु चरणा विच, धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ये तुहाडे भाणे विच पिछला महीना सभना दा बाणी पढ़दिया आनंदमई सुखमई बतीत होया, कृपा करनी ये जो महीना अज प्रारंभ होया साडा सभना दा बाणी पढ़दिया आनंदमई बतीत होवे, ये आपां अरदास करनी है। सो भुलां चुकां दी खिमा बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।